फॉर्मूला में हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं, ठीक है? तो एरे फॉर्मूला बेसिकली हमने लास्ट दो क्लासेस में हम बताया था आपको कि एरे फॉर्मूला का यूज होता है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला की कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए, या फिर कई सारे सेल्स की फॉर्मूला को एक सेल्स में करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए इसी के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि एरर फॉर्मूला जो है हमारा कोई फॉर्मूला का लिस्ट नहीं, फॉर्मूला लगाने का तरीका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देते हैं और मैं इस नंबर का एवरेज निकालता हूँ। एवरेज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाई काउंट ऑफ द वैल्यू। अब इसमें कोई नंबर हमारा जीरो है तो एवरेज वो भी उसको भी कंसिडर करता है। मतलब कि इसने क्या किया, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो वैल्यू है 209 डिवाइड बाई 5, मतलब काउंट में इस जीरो को भी लिया, लेकिन अगर ब्लैंक कर देते हैं तो नहीं लेता है। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है आपकी जो कि जो भी ब्लैंक सेल आप लेते हैं ना, ब्लैंक तो जीरो लेते हैं, जैसे कि फॉर्मूले की बात करें आप, लिंक फॉर्मूले होती है ना, तो उस केस में से प्रॉब्लम होती है। तो मुझे क्या करना है कि जीरो रखना है, क्योंकि अगर मैं इसको करूं तो मुझे, अगर मैं डेटा मेरे पास डेटा काफी ज्यादा है, उसमें क्या करना होगा कि हमें जाके जीरो को हटाना पड़ेगा। जितने में जीरो है उसको मैनुअली हटाना पड़ेगा, या फिर इसके बगल में कॉलर में इफ फॉर्मूला लगा के और जीरो को वापस ब्लैंक करके करना पड़ेगा। तो एरे में हम कर सकते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली आज का टॉपिक है एरे में इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना। मेन जो है टॉपिक याद रखिएगा कि एरे में किस तरह से हम इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे देखेंगे एवरेज, क्योंकि मेन फॉर्मूला में एवरेज है, एवरेज, और फिर देंगे फॉर्मूला की इफ, और इफ में हम सिलेक्ट करेंगे अपनी वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो तो इस वैल्यू को शो करके। देखिए क्या होगा, हमने बोला एवरेज इफ ए वन से ए फाइव इज ग्रेटर देन वैल्यू एंटर मारिए, और ये भी एरर दिख रहा है, लेकिन इस पे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट तो ये आपका रिजल्ट आ गया, मतलब कि इसको जीरो को इसने कंसीडर ही नहीं किया। समझ में आ गया सर? आई थिंक स्क्रीन विचार ना जी? स्क्रीन जो है ना सर, स्टॉप हो गई वहां पे एवरेज लिखने के बाद। एवरेज की और स्क्रीन स्टॉप। बफूल जी, समझ में आ रहा है आपको सर? आपने जो कर आपने आपके यहाँ पे तो हो गया, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है।
आ गई सर। हाँ स्क्रीन तो आ रही, फिर से एक बार दोबारा यूज कीजिए सर। मतलब ये है ना कि अगर सिंपल है कि इफ अच्छा ये एवरेज समझ गया ए वन से ए फाइव ग्रेटर देन जीरो, तो वो सिंपल सा हमने लगाया इसमें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगले एग्जांपल में मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है, तो मेरे पास कॉलम ए में हमारे पास कुछ आईडी लिखी हुई है और मैं यहां पे निकालना चाहता हूं कि कितने डुप्लीकेट आईडी है और कितने यूनिक आईडी है। मतलब कि अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट डुप्लीकेट का यूज करूं तो आप देखोगे इसमें कई सारे नंबर्स मोर देन वन टाइम है, बहुत सारे नंबर्स यूनिक है सिर्फ एक बार। इधर फिर से दोबारा स्क्रीन दीपक जी दिख रहा है आपको सर? हाँ जी सर, हाँ जी विकास जी, लग रहा है आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ से तो ठीक है, मेरा ऑडियो क्वालिटी भी इसी से ही जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस कॉलम ए में जितने भी नंबर्स है उस नंबर्स को मैं काउंट कर लू। तो कैसे काउंट करें? तो उसके लिए हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, काउंट कर सकते हैं। अगर मैनुअली बात करूं तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला काउंट इफ और हम इस पूरा रेंज को पूरा रेंज देंगे और फिर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो हर नंबर का काउंट आ जाएगा। और मैं यहाँ पे अगेन काउंट इफ लगाऊंगा और काउंट इफ में मैं बोलूंगा कि ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। तो ग्रेटर देन वन करने पे क्या होगा कि इसमें जो डुप्लीकेट नंबर है आ जाएगा, इसने चार आया हुआ है, मतलब एक नंबर दो बार है तो एक को दो काउंट किया उसने, तो इसको आप माइनस डिवाइड बाय टू करोगे तो एग्जैक्ट बता देता है कितने नंबर है। ठीक है, और यूनिक यू आपने दिया तो यूनिक में आप यहां पे इक्वल टू वन कर देंगे तो हमारे पास यूनिक आ जाएगा, जैसे वन भी लिख देंगे तो यूनिक आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना हुआ, इसके लिए करना हुआ कि कॉलम में इस पर्टिकुलर कॉलम में निकाल एक पर्टिकुलर कॉलम हमें ऐड करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि कॉलम ऐड ना करना, हमें कॉलम ऐड ना करना पड़ा, तो इसके लिए हम यहां पे फॉर्मा लगाएंगे कि काउंटिंग काउंटिंग नहीं यहां पे करेंगे सम इक्वल सम एंड काउंट इफ। काउंट इफ में हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, वापस इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे वापस इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को नहीं काउंट के साथ यहां हम इफ भी देंगे अगेन इफ एंड यहां पे देखिए वन कि एक से ज्यादा हो तो यहां पे वन और फिर हम नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, यहां हमारे कंट्रोल से एंटर मारेंगे।
रिजल्ट आपका 4 आया। तो इस तरह से इफ कंडीशन इस्तेमाल होगा। ए वर्क कैसे कर रहा है इसकी वर्किंग को देख लीजिए, फॉर्मूला में जाके एवलेट फॉर्मूला, जब फॉर्मूला पे एवलेट करेंगे तो यहां पर आपको देखिए काउंट इफ, हमने एवलेट पे क्लिक किया तो सबसे पहले इसने दे दिया काउंट इफ का रिजल्ट, जैसे यहाँ कॉलम में दिया हुआ है ना एक एक दो जितने भी वन है यहाँ पे इसने दे दिया कि वो एक बार आ रहा है दो बार आ रहा है, तो वो लिस्ट यहाँ पे इसने दे दिया। फिर इफ ने मैच किया कि कौन ग्रेटर देन वन है, जहां जहां ग्रेटर देन वन है वहां वहां ट्रू है, और जहां जहां ट्रू है वहां वहां यहाँ पे वन शो कर दिया, सब में सारे वन को सम कर लिया। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं यहां पे इक्वल इसको पेस्ट करता हूं और मैं इक्वल टू वन कर दू, यहां पे 26 आ जाए, तो जितने भी वन है उसको कौन। दीपक जी कोई डाउट सर इसमें? हाँ जी सर, नहीं सर नहीं, ठीक है। तो हमने इफ के दो एग्जाम्पल काउंट इफ में यूजिंग द इफ, हमने दो एग्जाम्पल लेके इस तरह से दो एग्जाम्पल को यूज कर। अब तीसरी एग्जाम्पल की बात करें, तीसरी एग्जाम्पल में हमारे पास डेट है और मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास सेल्स है, डेट और सेल्स है कॉपी और यहां पे वैल्यू पेज। ठीक है, अब मुझे यहां पे सम करना है, मुझे यहां पे इस पर्टिकुलर नंबर को सम करना है, तो मैं यहां पे जैन का टोटल करना चाहता हूं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि जैन को टोटल हम कैसे करें, क्योंकि तो यहां पे डेट वाइज डेटा है हमारा, तो डेट वाइज डेटा है और हम जैन को टोटल करें तो कैसे करें। तो अगर मैनुअल बात करें तो मैनुअल हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके बगल में एक टेक्स्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसमें देना पड़ेगा डी डी एम 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 एम, तीन बार एम एम लिखेंगे पे मंथ जैन फाइव आएगा, फिर हम समीप से जैन फाइव निकालेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक एक्स्ट्रा कॉलम। तो इसके कैसे करेंगे, तो कैसे करें। तो उसके लिए हम जो हमने टेक्स्ट फॉर्मूला यहां लगाया है और जो हम सम इफ लगाएंगे उसी मेथड को यहां ले लेंगे, यहां लिखेंगे हम सम सम नॉट ए सम सम और इफ कॉलर लगा देंगे इफ, और फिर इसके अंदर देंगे टेक्स्ट और इसको सिलेक्ट किया और कॉमन डी एम 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 एंड इक्वल टू जैन या फिर जो भी है सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ जो जैन है हमारा जैन
क्या शो होना चाहिए? तो शो होना चाहिए ए। हेलो, हाँ सर, हाँ जी, कितने बात करना है? फिर मैं कंट्रोल सिर्फ एंटर डालूंगा, कंट्रोल सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा इसमें, तो रिजल्ट आ जाएगा जैन। काजी समझाया आपको कोई डाउट इस एग्जांपल में? नहीं अभी तक तो कोई प्रॉब्लम, सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास इसी से रिलेटेड, एक नया फॉर्मूला से रिलेटेड है। यहां पे मैंने नेम लिख दिया और यहां पे मैंने मान लीजिए सेल्स लिख दिया, नेम पुनीत, और नीचे की तरफ हम ड्रैग कर लेते हैं। तो मुझे अगर मान लीजिए इंदर है मेरा, मुझे इंदर का यहां पे टोटल चाहिए, तो जस्ट हम सम इफ लगा देंगे। एवरेज चाहिए, जस्ट एवरेज इफ लगा देंगे। काउंट चाहिए, जस्ट काउंट इफ लगा देंगे। लेकिन मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए मैक्स इफ का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है सिस्टम में। मैक्स इफ का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, तो मैक्स इफ कैसे लगाएगा? तो उसके लिए यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला मैक्स, मैक्स के बाद इफ, और इफ के बाद हम करेंगे कि रिजल्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर ए इक्वल टू हमारा क्या है इंदर है, तो इसको शो करें। ये माफ कीजिएगा, मैं मैक्सिमम इफ, हाँ मैक्स इफ, अगर ए टू से ए 78 अगर डी 4 है, तो फिर B2 से 78 को रिटर्न करें। तो यहां पे देखिए आपका इन द 71 है। अगर मैं यही उदय डालू तो यहां पे उदय का टोटल आएगा। तो हमने मैक्स इफ नाम का नया फॉर्मूला जनरेट कर लिया, और मैक्स इफ जो कि आपके पास यहां पर दिख रहा है, ठीक है विकास जी? ऐसे आपको मिनिमम निकालना है तो मिन मैक्स की जगह मिन कर दीजिए, तो आपका मिनिमम आ जाएगा। तो ये तो सिंगल कंडीशंस की बात हो गई, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस लगाने हुए तो कैसे लगाएंगे? मैं अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं और मैं इसी में कर देता हूं, और सिटी कर देता हूं मैं सिटी, और मैं यहां पे मेरा
ठीक है। मुझे यहां पे टोटल चाहिए, मैक्सिम मैक्स चाहिए, टोटल नहीं मैक्स चाहिए। सम एवरेज के लिए तो हमारे पास एवरेज ही, इफ सम इफ्स ऐसे जो फॉर्मूले हैं वो तो है ही। तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे कर देंगे फॉर्मूला मैक्स का कि मैक्स इफ, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि अगर ए इक्वल टू है हमारा उदय, फिर अगेन कंडीशन देंगे एक जैसे नेस्टेड इफ लगाते हैं ऐसे अगेन कंडीशन देंगे कि अगर ए नोएडा से लेके यहां तक अगर इक्वल टू है पटना, तो दो कंडीशन ऐसे तीसरी चौथी पांचवी कंडीशन हुआ तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। और यहां पे एंड द लास्ट में आप दे दीजिए यहां पे कंट्रोल से, ये आपका आ गया रिजल्ट। एग्जाम्पल बताए इफ के, इफ फाइल में आप लोगों को मेल रहा भेज रहा हूं, साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज रहा हूं। मुझे इस पे कम आपके तरफ से इसी तरह के एरे के साथ यूज जो है 5 से 10 एग्जाम्पल आप लोग बना के दीजिए, ठीक है? इस वाले से जी ठीक है सर, ठीक है ओके।